और यहाँ पे अब हम पहुँच चुके हैं हल्द्वानी और सौरभ जोशी के अपार्टमेंट के बाहर ही हमारी गाड़ी खड़ी है। और ये झूल रहे हैं यहाँ पे बच्चे इंजॉयमेंट करते हुए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीट सिस्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है 6:55 और हम सब उठ चुके हैं। आज हमारा डे 3 है गांव में। तो अभी हम लोग उठ चुके हैं सारे, चारू दीवार भी सब उठ चुके हैं। तो अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ और इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए फ्रेंड्स, हमारे रूम से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है पूरे रानी खेत का। और फ्रेंड्स, आज है माधु और गोपाला का बर्थडे, तो अभी हम वो भी सेलिब्रेट करेंगे। माधु जी का बर्थडे है फ्रेंड्स, माधु का आज बर्थडे, और माधु आज पूरा दिन एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे तो 3 दिन से एंजॉय कर रहे हैं माधु भी। बर्थडे आज है तो आज ज़्यादा एंजॉय करेंगे। हैप्पी बर्थडे माधु। माधु ने अपनी ड्रेस पहन ली है और माधु के लिए हमने यहाँ से लिए हैं रसगुल्ले। अभी माधु जी को एक भोग लगाएंगे उनके बर्थडे का। उसके बाद माधु जाएंगे नानी के यहाँ। माधु, कैसा लग रहा है आपको? लोग काट रहे हैं माधु का रसगुल्ला। माधु ये लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज माधु 1 साल के हो गए। ये आज है माधु और गोपाला का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे गोपाला। ये दोनों एक साथ आए थे हमारे पास वृंदावन से। अब आज देखो अपना बर्थडे भी एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी अलग अलग खा रहे हैं। ओ बल्ले बल्ले, मेरा बर्थडे आ गया। माधु और गोपाला का एक साथ बर्थडे है, मस्ती करेंगे हम, मस्ती करेंगे। तो अभी शाहरुख भी उठ चुके हैं, रेडी भी हो चुकी हैं। या अब हम चलेंगे चौबटिया गार्डन। लेट्स गो। और अब ये हमारी परी नहीं कर रही है ऑर्डर। गुड मॉर्निंग, हमें 111 में 3 चाय चाहिए। हाँ हाँ, चीनी डालनी और अदरक वदरक डाल के देना। ओके, हो गया। ये बैड टी है, क्योंकि अभी परी ने ऑर्डर किया था टी का, तो ये बैड टी है। 8 बजे तक यहाँ पे बैड टी मिलती है। और ये चाय का आनंद लेते हुए रानी खेत में। गाइस, ये हमारा आउटफिट आज का, मम्मी का, और वहाँ पीछे पापा बैठे हैं। अभी हम लोगों ने मंगाई है चाय हमारे लिए, चाय पियेंगे। और अभी हम कर रहे हैं होटल से चेकआउट। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे कुमाऊ मंडल होटल में, और आप देख सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू गार्डन का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा, एकदम ग्रीन रोड रखी थी, फ्लावर्स भी काफ़ी अच्छे थे। तो हमने यहाँ पे बहुत सारा फ़ोटो सेशन करवाया था। और यहाँ पे मम्मी बेंच पे बैठ के फ़ोटो खिंचवा रही हैं दीपू से। हम लोग यहाँ पे अंदर को आए हैं। जय जवान जय किसान, यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, बेंचेस। और यहाँ पे हमारे भारत का नक्शा, पूरा मैप है ये इंडिया का। अभी हम लोग आ गए हर्षी के मामा के घर पे। और यहाँ पे भी हमारे लिए खाना लगा, जिसमें पोहा पूरी रायता और चने आलू की सब्जी थी। और हम लोग यहाँ पे काफी साल पहले भी आए थे। यहाँ पे अभी मामी बना रही हैं हमारे लिए गर्मा गर्म पूरी। और हम लोगों को नानी के हाथ की आम की चटनी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। नानी बहुत अच्छी हो रही थी। बहुत टेस्टी हो रहा था वो, अभी दिखा दे। ये पोहा बहुत यम्मी हो रहा था। और ये पूड़ियाँ मामी बना रही है। गुड़ भी, ये देखो पूरी पूरी मामी। थैंक यू मामी। देखिए गाइस, यहाँ से बाहर का व्यू अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ पे घर। तब हम लोग जा रहे हैं। बाय 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 वेदा, बाय वेदा, बाय बाय। हम लोग जा रहे हैं गोल्फ कोर्स। हम पहुँच चुके हैं गोल्फ कोर्स। आप यहाँ का ग्राउंड देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा है। ये देखिए
डिफेंस लैंड नो एंट्री। और अब हम आ गए गोल्फ कोर्स में। ये देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है और यहाँ हरियाली रानीखेत के पास। ये देखो ये पीछे से आ रहे हैं सब। देखो गाइस अब हम आ गए हैं रानीखेत के आशियाना पार्क में। बच्चे एंजॉय करते हुए रानीखेत आशियाना पार्क आराम से चलेंगे। यहाँ पे देखो इतना प्यारा कुत्ता बैठा है, इससे डर रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पे अभी हमने एंटर कर लिया आशियाना पार्क में और सबसे पहले हम यहाँ पे दिखा जिराफ स्लाइड, उसके बाद आगे एलिफेंट और उससे ज़्यादा आगे डायनासोर। और ये पार्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करा, एलिफेंट की सवारी भी करी। तो वो आपको भी दिखाते हैं। आइए झूल लें यहाँ पे बच्चे इंजॉयमेंट करते हुए। हाथी पे बैठ गए हैं। और ये आप मस्ती करते हुए मजा आ रहा है ना बहुत ज़्यादा। और हमें आशियाना पार्क में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा मस्ती करी, सवारी करी हाथी की, बहुत सारे झूले भी झूले। और अब हम लोग जाने वाले हैं रानी झील, तो चलिए आपको वहाँ का दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं रानी झील और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा नज़ारा दिख रहा था, नीचे बोटिंग भी हो रही थी और ये पूरी झील, झील के अंदर मछलियाँ भी थी। हम आपको भी पास से दिखाएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ था आई लव रानीखेत, जहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाई। तो यहाँ पे अभी हम लोग झील के थोड़ा पास जाके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको मछलियाँ दिख रही होंगी, ये मछलियाँ पूरी तैर रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ का व्यू। तो यहाँ पे रानी झील पे बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था, तो यहाँ पे मम्मी और पापा डांस कर रहे थे। और ये जो हट है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ खिंचवाई और हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आया। गाइस ये आ गया है चौबटिया गार्डन, तो यहाँ पे आप चौबटिया गार्डन के बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे चौबटिया गार्डन की तरफ। और ये पूरा मिलिट्री एरिया है। तो यहाँ पे अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो बोर्ड पे फोटोज लगी हैं कुछ आर्मी ऑफिसर्स की, वो हैं परमवीर चक्रधारी, उनका नाम है लाल सिंह थापा। अरे है तो मशरूम की शेप में कहाँ पे नहीं, इसमें पानी भर के सब पी जाओ। और यहाँ पे हमें रास्ते में देखा हनुमान मंदिर। गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं एप्पल गार्डन देखने, आप यहाँ की ऊंचाई देख सकते हो। हेलो गाइज, आगे दीपू चल रहे हैं, हम इसके बाद भूत बंगला जाएंगे। हाँ, सेवन स्टोन है उसका नाम, वैसे उसको भूत बंगला भी बुलाते हैं। ऐसे देखिए सेवन स्टोन से व्यू। अभी हम और आगे जा रहे हैं, आपको आगे दिख रहा होगा कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। ये यहाँ पे सेवन स्टोन्स हैं, इनके ऊपर हम यहाँ पे खड़े हैं और आप व्यू देख सकते हो पीछे का। एकदम ये पास से व्यू है, ये देखो नीचे। तो अब हम निकल गए हैं यहाँ पे सेवन स्टोन के लिए। गाइस हम सेवन स्टोन में और यहाँ का व्यू इतना अच्छा है कि पूछो ही मत। यहाँ पे बारिश हो रही है, अगर आप भी आओगे तो आप भी मजे लेना। और यहाँ पे सेवन स्टोन के इधर ही सेवन स्टोन नाम से एक रेस्टोरेंट है, हम उधर बैठे हुए हैं और यहाँ पे हमने पिया है गरम गरम चाय। हम लोगों ने यहाँ पे चाय पी ली है फॉरेस्ट सेवन स्टोन से और हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। अब ये रुके हैं खैरना पर, कुछ गाँव की सब्जियाँ ले रहे हैं, पहाड़ की सब्जियाँ, कुछ कोई ये मूली ली है और इधर के खीरा गाँव का। ये क्या पानी में रुके हैं, ये पकौड़े। पकौड़े खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के हम ये बच्चे। आप पहुँच चुके हैं कैची धाम की तरफ, अभी हम दिखाएंगे आपको कैची धाम। ये देखो, ये देखो यहाँ कार पार्किंग है, ये पूरी मार्केट कैची धाम की। जय हो कैची धाम, जय नीम करोली वाले बाबा की जय। हनुमान जी क्यों है माई है। कैची धाम का व्यू का वो मतलब बाहर का सीन।
महावीर विक्रम बजरंगी। ये हनुमान जी की मूर्ति ये हल्द्वानी और नैनीताल के बीच में आती है। हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर है, पायलट बाबा का आश्रम डोल मार्ग पे। और यहाँ पे हम ले रहे हैं भुट्टे, अभी भैया भुट्टे भून रहे हैं। देखो अभी दिखाएंगे हम आपको भुट्टे भूनते हुए, देखिए ये भुट्टे भुने जा रहे हैं। गाइस यहाँ पे हम आए हैं सुशीला तिवारी मेडिकल मेडिकल हॉस्टल में हिमांशी दीदी से मिलने, दीपू और चारू दीदी की बहन से, हाँ इनकी बड़ी बहन। हाँ मेडिकल में दीदी, यार यहाँ पे भी कट है यार, ये कैंपस है दीदी का पूरा। ये हम पहुँच गए हैं, ये देखो। अरे नहीं, मैं कैमरे में नहीं आती हूँ। हाय, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर कॉलेज, इट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी। प्लीज आइए, इसका रूटीन प्लीज है, टूर करवाइएगा। ये देखो मेडिकल कॉलेज है, ये मेडिकल कैंप, यहाँ पे पूरा कैंपस है। ये है यहाँ पे दीदी का मेस, यहाँ पे लोग खाना खाते हैं। माँ बेटी का मिलन यहाँ से जस्ट कितना कितना बजा है, 14 मिनट, जस्ट 14 मिनट बाद स्वर्णी का घर है। हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, बड़ा एक्साइटमेंट है। हाँ अभी अपनी बहन, क्योंकि हमने मैप वगैरह पूरा खोल के रखा हुआ है। और यहाँ पे अब हम पहुँच चुके हैं हल्द्वानी और सौरभ जोशी के अपार्टमेंट के बाहर ही हमारी गाड़ी खड़ी है। और तो यहाँ पे सौरभ जोशी भैया घर पे नहीं थे, तो इसलिए हमें गार्ड अंकल ने मिलने नहीं दिया, अंदर भी नहीं जाने दिया, तो हम बिना मिले ही वापस आ गए। और बाकी आप देख सकते हैं उनका पूरा अपार्टमेंट है। ये आए हुए हैं सौरभ जोशी के अपार्टमेंट के बाहर सौरभ जोशी से मिलने के, लेकिन वो अभी यहाँ पे है नहीं, वो दुबई गए हुए हैं। गार्ड ने कहा है कि अभी यहाँ पे कोई नहीं है, तो अब ये नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे फिर देखते हैं, मिलते हैं। ओके गाइस, 3:30 बजे हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं और अभी दीपू और उतर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे दीपू और को उतार और बैग भी निकाल देंगे। ये इनकी ढोलक गोपाला जी, बताई जी, बाय। ट्रिप में मज़ा आया? सो फ्रेंड्स, अब हमारा व्लॉग इधर ही एंड होता है। ये हमारा day 3 था गाँव में, लास्ट व्लॉग गाँव का। और वी होप आपको इस व्लॉग में मज़ा आएगा। हम लोग सौरभ जोशी भैया से नहीं मिल पाए, बट नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करेंगे। इस व्लॉग को भी लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक की वॉचिंग स्वीट सिस्टर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।